केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत बनने वाले शौचालय भ्रष्टाचारी के खेल में उलझ कर रह गए हैं। मामला भगवानपुर ब्लॉक के बंदरजूड़ गांव का है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शौचालय निर्माण के नाम पर ग्राम प्रधान ने उनसे 2,000 रुपए पहले ही ले लिए थे और 12,000 रुपए की पूरी धनराशि भी नहीं दी गई, जिससे उनका शौचालय निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि पक्का मकान बनवाने के लिए भी ग्राम प्रधान को बार बार अवगत कराया गया, लेकिन पात्र लोगों को इसका भी सही लाभ नहीं मिल पाया। वहीं आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि ग्राम प्रधान की अनदेखी का शिकार होकर किस तरह ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। यहां आकर सरकार के गांव के विकास के दावे खोखले नजर आते हैं और आशंका जताई जा सकती है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में विभागीय अधिकारी भी अपनी अहम भूमिका में है, जिसके शिकार लगातार ग्रामीण हो रहे हैं। मामला जैसे कि लेटरिंग आई थी ना, मैं जवाब दे रहा प्रधान को, तो उसने लगा करना कि मकान तो तेरा फेरा जाएगा, लेटरिंग ले ले तो पहले। तो जैसे कि मेरा नाम लेटरिंग में आया तो 2,000 रुपये प्रधान ने मेरे पर पहले ही ले लिए। उसके बाद वहाँ चेक दिया हमने 6,000 रुपये का, चेक काट रहे थे वहीं बैठ के आगे बैठे हुए, 2,000 रुपये छोटे लाल ने मेम्बर हो उनने ले लिए। मेरे पास कुल 2,000 रुपये है, 2,000 रुपये बताओ मैं क्या क्या कर लेता। अभी भी मैं अपने पैसे लगा के इतनी कर दी। मुझे प्रधान ने कहा कि इस बार वो सीट धर ले, इसका इतना ओला कर ले, तेरा दूसरा चेक मिल जाएगा। दूसरा चेक आज थोड़ी नहीं मिला। अब मेरा घर देख लो, मैं टूटे फूटे झुपड़े में पड़ा आज थोड़ी भी। ये स्थिति है गरीब आदमी की। जो गाँव के नेता हाँ या बाहर के नेता हाँ, प्रधान है, कोई गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। आगे प्रधान पीरती प्रधान है, आगे चेक देने के लिए 1,000 रुपये और मांग रहा है मेरे पास है। बताओ मैं 1,000 रुपये कहाँ से दूँ? गरीब आदमी हूँ, वैसे ही हूँ। इन्हें खाने को दिया जाऊँ या मैं अपना वो करूँ, अपने बच्चे को पालू या क्या करूँ? जी मेरी मांग ये है कि प्रशासन इसकी चेक करे, इसे चेक करे लैटरिन को, कहाँ इसमें गड़बड़ी हुई, क्या हुआ ये है। मतलब जब लैटरिन बाथरूम के 12,000 रुपए आ रहे थे और उसमें से जो है ना हमें 10,000 रुपए हमारे हाथ लगे, वो लैटरिन बाथरूम भी अधूरी पड़ी आज तक। अच्छा फिर कह रहे हैं कि मकान भी होगा, मकान की कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा वो उन्हें देते हैं जो उनकी जेब में डालते हैं खर्चा पानी, उन्हें तो दे देते हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं आगा। हमें बता देगा तुम्हारा नाम ही कट गया लिस्ट में से, तो बताओ हमारा क्या होगा फिर? ऐसे घर बार देख लो, हमारे कोई हिसाब ही नहीं है, घर का छप्पर में पड़े ऐसे ही। हमारी क्या मांग है? हमारी तो यही है कि हमारे घर बार बनवा दो बस, और क्या। लैटरिन बाथरूम तो चलो ये तो अधूरी पड़ी है, तो हम करा ही लेंगे जैसे तैसे करके। बाकी है कि मकान का तो हिसाब बनना है हमारा। अब बताओ सारा घर चूरा, छप्पर भी, और वो घर में भी अंदर पानी पानी हो जाए बारिश में। अब पता नहीं है।